गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज 16th अप्रैल एंड दिस इज मैथ्स लेक्चर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू डिलीवर 8th लेक्चर ऑन टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए जिसकी एंट्रीज है 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, राइट ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ आर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करना है और ऑल इक्विवेलेंस क्लास लिखना है रिलेशन के ऊपर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि हमें मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है एक और भी एलिमेंट पर, तो ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो तुम लेट कर लो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वेयर के बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। हमने दोनों की एंट्री अगर सेम कर दी तो क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो, तो दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड के माइनस के आ जाएगा, क्योंकि दोनों की जगह तो हमने क्या लेना है, के लेना है, इक्वल्स टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 2 विच इज डिविजिबल बाई टू। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज के कॉमा के, अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू के अलाउड है वेयर के बिलोंग्स टू। दिस इम्प्लाइज के बिलोंग्स टू के एग्जिस्ट इन आर फॉर ऑल के बिलोंग्स टू सेट ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ गए, के कॉमा के बिलोंग कर रहा है सभी के लिए, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, नाउ एज ऐसे बोलो एज इफ मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 देन, अगर हम इसको रिवर्स भी कर दें, मॉड बी माइनस ए कर दें, तब भी तो डिविजिबल हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है, बिकॉज क्यों, तो तुम मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकते हो ना, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बार पॉजिटिव आ जाएगी, सेम आ जाएगी। बात समझ में आ गई, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो मॉड बी माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको यहाँ दिया है कि मॉड 4 माइनस 2 है, तो ये कितना आ गया 2, तो डिविजिबल बाई 2 होगा ही, और मॉड 2 माइनस 4 कर दिया तो मॉड ऑफ माइनस 2 ये भी 2 आ गया। समझ गए, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मॉड ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 2 है, इफ़ मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो उसका उल्टा भी कर देंगे तो डिविजिबल बाई 2 होगा। दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। समझ गए, अब ट्रांजिटिव के लिए। नाउ इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मॉड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। तो हमें प्रूफ क्या कर देना है कि अगर ए कमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कमा सी कर रहा है, तो ए कमा सी भी बिलोंग करेगा। मतलब हमें ये प्रूव कर देना है कि ए कमा सी भी 2 से डिविजिबल होगा। तो देन केस वन इफ ए इक्वल्स टू इवन तो बी शुड बी इवन, है ना। अगर ए इवन होगा तो बी को इवन होना पड़ेगा ना, इम्प्लाइज बी शुड बी इवन। ठीक है, अगर ए को तुम इवन लेते हो
तो बी शुड बी इवन, बी शुड बी इवन, एंड इफ बी इज इवन, अगर बी इवन है तो सी शुड बी इवन, क्योंकि इवन माइनस इवन होगा तभी तो ये डिविजिबल बाई टू होगा, और हमने पहले लिख रखा है कि ये दोनों अगर रिलेशन में है तो वी वॉन्ट टू प्रूव कि ए कॉमा सी भी होगा। तो तुम तो पहले ही बोल रहे हो कि बी कॉमा सी मॉड बी माइनस सी डिविजिबल बाई टू है, और हमने ए को लिया इवन, तो बी भी होगा इवन, बी शुड बी इवन, है ना। और अगर बी इवन हो गया तो सी पर तो कंडीशन आ गया ना कि सी को इवन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इवन माइनस इवन इवन होता है। तो एंड इफ बी इज इवन, सी शुड बी इवन, सी शुड बी इवन। तो दिस इम्प्लाइज, अब क्या हो गया, ए इवन हो गया और सी इवन हो गया, तो मॉड ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, मॉड ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। बात समझ में आ गई। एक और केस यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, केस टू ले लेते हैं। तो देखो केस टू क्या है, केस टू ले लेते हैं कि इफ ए इज ऑड, इफ ए इज ऑड, अगर ए को ऑड कर दिए, तो देखो अगर तुम ए को ऑड कर देते हो तो बी को भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन आता है तो डिविजिबल बाई टू होगा, ठीक है। तो इफ ए इज ऑड देन बी शुड बी ऑड, देन बी शुड बी ऑड, बी को ऑड होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज सी इज ऑल्सो ऑड, सी इज ऑल्सो ऑड, सी अगर हमने बोला कि ए ऑड है तो बी को ऑड होना पड़ेगा, और अगर बी ऑड है तो सी को, समझ गए, तो अगर ए ऑड है तो बी को तो ऑड होना पड़ेगा तभी ये डिविजिबल बाई टू होगा, और अगर बी ऑड हो गया तो ये इसको ट्रू होने के लिए, चूँकि हमने पहले ही मान रखा है ट्रांजिटिव में दो पेयर को सिलेक्ट करना होता है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो फिर हम प्रूव करते हैं कि ए कॉमा सी अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है ट्रांजिटिव। तो अगर ए ऑड हो गया तो बी को ऑड होना पड़ेगा, और बी ऑड हो गया तो सी को ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन होता है, और इवन होगा तो डिविजिबल बाई टू होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा है कि अगर ए ऑड है तो बी शुड बी ऑड, बी को ऑड होना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज सी इज ऑल्सो ऑड। अब तुम देखो ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ए ऑड है और सी ऑड हो गया, दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि ए भी ऑड है सी भी ऑड है, दिस इम्प्लाइज डिविजिबल बाई टू, दिस इम्प्लाइज डिविजिबल बाई टू। और हमें ऐसा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ए सेट ए के अंदर जो एंट्री है वो ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है, ऑड भी है और इवन भी है, इसीलिए दो केस लेना पड़ा, एक बार ए इवन हो तो क्या हो और ए ऑड हो तो क्या हो, तो दोनों ही केस में हमने देखा डिविजिबल बाई टू। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, बात समझ में आ गई, आर इज ट्रांजिटिव। अभी हमने अपने रिलेशन को ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, और ए बी बी सी है तो ए सी है, ये हमने प्रूफ कर दिया दो केस लेकर के, एक बार इवन तो इवन लिया तो के प्रूफ हो गया मॉड ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू, और एक बार ऑड लिया तो ऑड पर प्रूफ हो गया कि डिविजिबल बाई टू है, तो आर ट्रांजिटिव हो गया, है ना। एक चीज़ ऑर्डर ध्यान रखना है कि ए बी है बी सी है तो फर्स्ट एंड लास्ट ए सी को प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी आर इज डिविजिबल बाई टू, तो दिस इम्प्लाइज तुम यहाँ पर लिख दोगे सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव कर दिया ना, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, नाउ हमारा सेकेंड पार्ट है इक्विवेलेंस क्लास लिखना, तो नाउ इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास के लिए, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन के लिए तुम देखो तुम्हारा रिलेशन क्या है, रिलेशन जो हमारे पास है वो क्या है, मॉड रिलेशन बना लेते हैं एक बार, मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाई टू है इक्विवेलेंस क्लास के लिए, तो देखो रिलेशन बना लेते हैं, नाउ फॉर इक्विवेलेंस क्लास,
हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन को एक बार हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इस रिलेशन को हम लोग इस सेट के ऊपर 1, 2, 3, रिलेशन को सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि इक्विवेलेंस क्लास हम लिख पाएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम लोग लिखेंगे अपने रिलेशन में क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5 है। तो मॉड ए माइनस बी डिविजल बाई 2 होना चाहिए। तो तुम 1 लो, तुमको पता है 1 लियो तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो आप लिखो 1, 1 लिख लिया, फिर और ऑड कौन है इसमें, 1, 3, 5 है। तो 1, 1, 1, 3 और 1, 5 हो गया, ठीक है ना। अब 2 लो तो 2 क्या है, इवन है। अब इवन कौन कौन है इसमें, 2, 2 एंड 4 है। तो 2, 2 ले लिया और हमने यहाँ पर 2, 4 ले लिया, 2, 2 और 2, 4 ले लिया। उसके बाद 3, 3 क्या है, ऑड है। तो 3 हमारा अगर ऑड है तो ऑड कौन कौन है, 1, 3 एंड 5। तो 3, 1, 3, 3 और 3, 5 आ गया। चलो 4 इवन है, 4 इवन है, इवन कौन कौन है, 2 एंड 4। तो तुम 4 के लिए क्या लिखोगे, 4, 2 हो गया, 4, 4 हो गया। उसके बाद कौन है, 5, 5 क्या है, ऑड कौन कौन है, 1, 3, 5। तो 5, 1, 5, 3 और 5, 5, ये तुम्हारा रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के ऊपर हमें इक्विवेलेंस क्लास की बात करनी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑन आर, ऐसे लिख दो, इक्विवेलेंस क्लास ऑन आर, आर पर इक्विवेलेंस क्लास हमें लिखना है। ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है। इस रिलेशन बनने के बाद हम इक्विवेलेंस क्लास, अच्छा एक बात मैं तुम्हें समझा दूँ कि जैसे हम 1 लिए तो कोई स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि 1 लिए तो अब वापस 1 क्यों ले रहे हो। अरे ए कॉमा बी आप ले रहे हो ना, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी में जैसे ए कॉमा बी ऑन ए है, इसका क्या मतलब है, ए कॉमा बी ऑन ए क्रॉस ए होता है। ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू भी सेट ए है। ये तो तुमने ए के लिए लिया, अब बी क्या क्या हो सकता है, तो ये ऑड है। मॉड ए माइनस बी डिविजल बाई 2 होने के लिए ऑड के साथ ऑड ही रखना है। तो और कितने ऑड हैं, अब बी के लिए लिखना है। तो बी के लिए तो आप अलग से सोचो ए पर, तो बी ऑड हो सकता है, कौन कौन है इसमें ऑड, 1 और 3, इसीलिए हमने लिया 1, 1, 1, 3। 5 भी है तो 1, 5, समझ गए ना। जैसे ये 5 लास्ट में 5 लिखा, 5 क्या है, ऑड है। ये तो ए के लिए लिखा, बी क्या क्या हो सकता है, तो बी के लिए फिर से सोचो, बी ऑड के साथ ऑड ही हो सकता है, कौन कौन ऑड है, 1, 3 और 5। तो 5, 1, 5, 3, 5 है, इस तरह से लिख सकते हैं, समझ। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब 1 किससे रिलेटेड है, 1, 1 से रिलेटेड है यहाँ लिखो, 1, 3 से रिलेटेड है लिख लो, 1, 5 से रिलेटेड है लिख लो, आगे बढ़ो, 1, 3 से ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1, 5 से ऑलरेडी लिखा हुआ है, हो गया, बंद कर दो, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। इक्विवेलेंस क्लास 2 का लिख लो, 2 किससे रिलेटेड है, 2 कहाँ, यहाँ 2, 2 से रिलेटेड है, 2 लिख लिया, 2, 4 से रिलेटेड है, 4 लिख लिया, और कहाँ, 2, 4 से लिखा हुआ, हो गया, बंद कर दो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या बना, 3 किससे रिलेटेड है, 3, 1 से 1 लिख लिया, 3, 1 से लिखा हुआ, 3, 3 से, 3, 5 से लिख लिया, आगे 3, 5 से लिखा हुआ, हो गया, बंद कर दिया, समझ गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 कहाँ तक लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास सर हमें ऑल इक्विवेलेंस क्लास लिखने हैं ना। क्वेश्चन में रहता कि राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तो सिर्फ 1 का लिख देते हैं, या मान लो राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 तो सिर्फ 4 का लिख देते हैं। मैं बोला ऑल इक्विवेलेंस क्लास लिखो, तो सभी एलिमेंट्स के लिए पहले तुम लिखो। तो एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो सभी के लिए लिखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 लिख रहे हैं, 4 का किससे रिलेशन है, 4 का एंड ढूंढो इसमें, यहाँ 4 का 2 से है, 2 लिख लो, और क्या है, 4 यहाँ है, 4 का 2 से है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 का 4 से है, 4 लिख लो, और तो कहीं नहीं, हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 लिख लो, नहीं जी, ये देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, 5 का है, 5 का किससे रिलेशन है, 1 से, 1 लिख लो, और क्या है, 5 का 3 से, और 5 का 1 से लिखा हुआ है, 5 का 3 से लिखा हुआ है, 5 का 5 से लिख ले। अब बोलता है ऑल इक्विवेलेंस क्लास लिखो। ऑल इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कितने तरीके के इक्विवेलेंस क्लासेस में आए,
तो देखो, हो सकता है किसी दो एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास सेम आ जाए, जैसे वन का इक्विवेलेंस क्लास में एंट्री 135 है और थ्री के इक्विवेलेंस क्लास में भी 135 है और फाइव के इक्विवेलेंस क्लास में भी एंट्री 135 है, तो इन सभी का इक्विवेलेंस क्लास सेम है। किसका? वन का, फोर का और फाइव का। सिमिलरली टू का इक्विवेलेंस क्लास के अंदर टू और फोर एंट्री है, फोर के इक्विवेलेंस क्लास में टू और फोर है, तो ऑल इक्विवेलेंस क्लास क्या हुए? एक तो 135 हो गया, एक 24 हो गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस इम्प्लाइज ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस आर, यहाँ पर ऐसे लिखो 135 एंड 24 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।